बुढ़े बुढ़े लैंड जनरल आते हैं इसराइल की नुमाइंदगी और उसकी तर्जुमानी करने के लिए। बड़े बड़े लोग पैदा किए हैं उन्होंने, आज हमें वो अकल सिखाते हैं। भाई तुम्हें हमें जंग का तरीका सिखाओ, लड़ना कैसे है, जंग का तरीका बताओ, कश्मीर कैसे हासिल करना है, वो तरीका बताओ कि बंगाल कैसे देना है, हमें ये तरीका बताओ असलहा कैसे फेंकना है। तुम हमें सियासत बतलाते हो, तुम्हारा मैदान सियासत नहीं है, अपने हदूद में रहो, इसराइल की नौकरी न किया करो, इसराइल के वजीफों पर पढ़ने वाले जनरलों, रिटायर्ड जनरलों, अपने हदूद में रहो। कौन सी जंग आपने जीती है जिस चीज के लिए तुम्हें भर्ती किया गया था, जिस कौम की तुम तनख्वाहें खा रहे हो, तुमने इस मुल्क के लिए किया क्या है सिवाय इसके कि अपनी कौम और अपने मुल्क पर चढ़ाई करने के? आप मुझे बताएं अपनी तारीख की, आपने किया क्या है इस मुल्क के लिए, आपने कौन सा दिफा किया है मुल्क का? अपना काम आपसे होता नहीं है और मुल्क के अंदर इस तरह के बहस छेड़कर आप लोग क्या हासिल करना चाहते? मैं ये गुजारिश करूंगा कि एनएफसी अवार्ड को जिस तरह आईन का तकाजा है, कौन सी जंग आपने जीती है जिस चीज के लिए तुम्हें भर्ती किया गया था, जिस कौम की तुम तनख्वाहें खा रहे हो, तुमने इस मुल्क के लिए किया क्या है सिवाय इसके कि अपनी कौम और अपने मुल्क पर चढ़ाई करने के? आप मुझे बताएं अपनी तारीख की, आपने किया क्या है इस मुल्क के लिए, आपने कौन सा दिफा किया है मुल्क का?